दोस्तों 90s के दशक की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में एक्टिव हो गई है। हाल ही में रवीना KGF 2 में नजर आई है। रवीना ने प्राइम मिनिस्टर रानिका सेन का रोल प्ले किया है। इस दमदार रोल में रवीना खूब जची है। फैंस से लेकर क्रिटिक्स ने रवीना की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है। रवीना एक दमदार एक्ट्रेस है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 90s के दशक में रवीना ने फिल्मी पर्दे को अपनी दमदार एक्टिंग, खूबसूरती और ग्लैमर से रोशन किया था। क्या आप ये जानते हैं कि करियर की शुरुआत में रवीना को स्टूडियो के फर्श पर पोछा मारने का काम करना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने स्टूडियो के फ्लोर से लोगों की उल्टियाँ तक भी साफ की थी। जी हाँ, फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी होने के बावजूद रवीना टंडन को अपने करियर में इस तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रवीना टंडन ने किया है। दरअसल हाल ही में रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत में छोटे मोटे काम किए थे और फिर बड़ी मेहनत से स्टारडम को हासिल किया। इस बारे में बात करते हुए रवीना ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टूडियो के काम करने से शुरू की थी। तब उनकी जॉब स्टूडियो और बाथरूम की सफाई करने की थी। इस बारे में बात करते हुए रवीना ने कहा कि हाँ, ये सच है, मैंने अपनी शुरुआत स्टूडियो की सफाई करने से की है। मेरा काम बाथरूम और जमीन से उल्टी साफ करना होता था। इसके साथ ही रवीना ने बताया कि भले ही वह फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी हो, लेकिन उन्होंने पहली बार एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट किया था और तब तक उनके दिल और दिमाग में कहीं भी नहीं था कि वह फिल्म अभिनेत्री बनेगी। रवीना ने प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट किया था। लोग अक्सर रवीना को देखकर कहा करते थे कि तुम कैमरे के पीछे क्या कर रही हो, तुम्हें तो आगे होना चाहिए, लेकिन रवीना हमेशा घबरा कर मना कर देती थी। वहीं जब भी कोई मॉडल नहीं आती थी तब प्रहलाद कक्कड़ रवीना को मेकअप करके पोज देने के लिए कहते थे और यहीं से शुरुआत हुई रवीना के मॉडलिंग करियर की। इस बारे में बताते हुए रवीना ने कहा कि एक बार मैंने सोचा कि जब मुझे ही सब करना ही है तो प्रहलाद के लिए फ्री में बार बार काम क्यों करूं? इससे तो अच्छा है कि थोड़े पैसे ही कमा लूं। उसके बाद ही मैंने मॉडलिंग शुरू की और फिर धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगा। मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने के बाद रवीना को धीरे धीरे फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे थे। रवीना के मुताबिक जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था तब उन्हें एक्टिंग भी नहीं आती थी और न ही डांस करना। रवीना ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म पत्थर के फूल से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट सलमान खान लीड रोल में थे।